आते लोकल फार्मर्स वो वही एक तैयार है जी, ये किसान है जी, वही मैं अपना माल डाल सके और कॉर्पोरेशन नोडल अफसर तैनात कर दिए हैं, तैनात कर दिए गए हैं अमन सो दैट सभी लॉकडाउन का भी है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान रखना है, सभी फार्मर्स और किसान भाइयों को मेन मंडी में पड़े वो अपना आस पास अपने गांव में निकटतम गांव में जो है अपना सामान दे सके और हमसे ये देखिए लेकिन ऐसा वैसे भी नहीं कहना चाहूंगा, मैपिंग कर दी गई है, मंडी है मौजूद है जो एडिशनल परचेस सेंटर्स में, तो इस तरह की कोई समस्या मुझे नहीं लगता आने वाली है भविष्य में, सरकार जो है पूरा ध्यान रखे। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा पहला दिन है अभी, आज सुबह ही हमने जो परचेज चालू की है, कल तक इसमें सारे सिस्टम इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, तो हो सकता है कुछ एक जगह पे जो है इंटरनेट की समस्या है, बिजली की समस्या है, या फिर कुछ एक जगह तिरपाल पहुंचने में थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले शायद 2-3 घंटे में सारी की सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, प्रशासन इसमें लगा है, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, इंटरनेट की समस्या, कंप्यूटर वाले की कोई समस्या है, सारी समस्याओं का जो है टेकअप किया जा रहा है, समाधान किया जा रहा है, हमारी टीम लगातार इसमें लगी है, तो मुझे लगता है कुछ एक घंटों में इसका समाधान पूरे पूर्ण कर रहा है। उसवाड़ा बोले हम 9 रुपये पर पी देंगे, तो सरकार के अफसरों ने उल्लर साहब ने जनरल प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमारा कमीशन 75 रुपये 35 रुपये मक्की किया था, परंतु नुबड़ा हमें 1 पैसा नहीं दिया, हमारे पास तो ऐसे ही है फिट वाले बोले। फिर हमने CTM साहब से बात करी, DC साहब से बात करी, ADC से बात करी, उन्होंने कहा आपको जो कमीशन तय हुआ है वो पूरा मिलेगा, फिर इन्होंने ये आकर के हमारे को आश्वासन दिया और DM साहब ने कह दिया कि हम लिख के दे देंगे, 55 की जगह 40 रुपये तो आपको हेफेड देगी और 55 रुपये 35 रुपये हेफेड और वेयर हाउस देगा, ना कि आपकी तीनों एजेंसियों से 55 रुपये 35 रुपये आसन दिया गया है कि आप खरीद करो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, इनका लिखने से क्या होता, हम बैठे हैं उनके ऊपर, आपका 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, आपको जो निर्धारित किया गया है वो आपका 1 पैसा लेबर समेत। एक दफ़ा तो हमने कह 11 बजे अपनी मीटिंग बुला ली थी और ये कहा था कि इसको हम बिल्कुल ही गेहूँ की भी नहीं करेंगे, सरसों की भी, और अधिकारियों ने ADC साहब CTM और SDM साहब 900 देने के लिए फिर 35.5 से समझौता। अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र वाइज जो है परचेज सेंटर बनाए हैं, उस सेंटर के हिसाब से फार्मर जो है अपने नज़दीक के स्थान पे सरसों ले जाए, गेहूँ ले जाए, उसमें दूरियां बनी रहे। आजकल कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है उसको देखते हुए सरकार ने ऐसी पॉलिसी निर्धारित की है, हमको कुछ परेशानी नहीं है, सरकार हमको पूरा सहयोग कर रही है। हमारी शुरू में जो CM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि आपको जो है आदत मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ अधिकारियों ने उसको बरगला के कि आपको आदत नहीं मिलेगी, आप इसको आना का नहीं करो, लेकिन आज जो है सभी अधिकारी यहाँ पे आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये कर्मचारी हैं, अधिकारी जो ऊपर से आदेश है उसकी पालना होगी, आपको पूरी आदत दी जाएगी।